गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज मैं लेकर आई हूँ सभी की फेवरेट जलेबी की रेसिपी। तो आज मैं कुरकुरी रसीली जलेबियाँ बना रही हूँ घर पर, बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में, और उसी की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है रबड़ी, और रबड़ी के साथ जलेबी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने रबड़ी और जलेबी बनाई है, तो आज मैं आपके साथ जलेबियों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मैदा ले लिया है, यहाँ पर ये बड़ी चम्मच है, मैंने इसे 3 से 4 चम्मच मैदा लिया है। अब इस मैदा में डाल देंगे हम 2 से 2.5 चम्मच दही। आज मैं हलवाई वाले तरीके से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर इसे पूरी रात के लिए रख देंगे। जलेबियाँ अगर आपको अगले दिन बनानी है तो उससे एक दिन पहले आपको रात को ये पेस्ट भिगोकर रख देना है खमीर उठाने के लिए। हलवाई जब भी जलेबियाँ बनाते हैं तो वो इसी तरीके से बनाते हैं, एक रात पहले ही वो रख देते हैं पेस्ट को। तो यहाँ पर मैंने ये पेस्ट रख दिया है रेस्ट करने के लिए पूरी रात के लिए। अब अगले दिन सुबह हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगले दिन सुबह अब मैंने सबसे पहले क्या करूँगी, चाशनी। देखिए मेरे पास चाशनी पहले से ही रखी हुई थी, बट ये थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी, क्योंकि जलेबियों की जो चाशनी होती है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें चीनी भी थोड़ी सी जमी हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, और इस चाशनी को मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी। चाशनी बनाने की विधि आपको बताती हूँ कि आपको 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डालना है, और 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, तो आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए, उबाल आ गया है चाशनी में, अच्छे से पक जाएगी ये चाशनी हमारी, तो गैस को कर देंगे बंद। तो अब चलिए मैदा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैदा मेरी पूरी रात रख कर इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका। जैसी मैदा हमें चाहिए वैसी ही मैदा तैयार हो गई है। तो अब इस मैदा को हम जलेबियाँ बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड फूड कलर, थोड़ा सा डाल दूंगी रेड फूड कलर इसमें। अगर आपको येलो कलर की जलेबियाँ पसंद है तो आप येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड कलर की जलेबियाँ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने रेड फूड कलर इसमें डाला है। अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप कलर अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, कलर को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, कलर हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला है, 1 चुटकी बराबर बस। इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे, और इसके बाद डालेंगे हम जलेबी को कुरकुरे करने के लिए चावल का आटा। तो यहाँ पर मेरे पास चावल का आटा पहले से ही तैयार था, तो यहाँ पर मैं आधी चम्मच डाल रही हूँ चावल का आटा, क्योंकि जलेबियाँ ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा हो तो 1 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं जलेबियों की क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर पेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो मैंने आधा चम्मच इसमें ऐड किया है चावल का आटा। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप सूजी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपकी जलेबियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी। हलवाई चावल का आटा यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए मैंने चावल का आटा ही डाला है। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर दिया है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पिन्नी की कोन बना ली है। आपके पास कोई भी पिन्नी हो किसी भी तरीके की, आप उसकी कोन बना सकते हैं, या फिर दूध का जो पैकेट आता है आप उसका भी कोना काट कर उसे भी यूज कर सकते हैं। अब ये पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, और इस तरीके से इसे फोल्ड करते हुए ऊपर से इस पर चढ़ा लूँगी एक रबड़। देखिए नीचे से जो पिन्नी का कोन है ये, इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, बारीक काटना है, क्योंकि जलेबी जब हमारी फूलती है तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, डबल हो जाता है, जितनी हम कोन काटेंगे उससे डबल उनका साइज़ हो जाएगा फूलने के बाद। तो उसी हिसाब से आपको डालनी है। अब यहाँ पर मैंने चिकनाई चढ़ा दी एक कढ़ाई में, और चिकनाई को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। चिकनाई को ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म करना है, ना ही आपकी चिकनाई ठंडी होनी चाहिए। अगर चिकनाई ठंडी होगी तो आपकी जलेबियाँ फूलेंगी नहीं, और अगर चिकनाई ज़्यादा गर्म होगी तो आपकी जलेबियों की शेप नहीं आएगी। तो जलेबियों की शेप लाने के लिए परफेक्ट जो तरीका है, आपको चिकनाई को ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, मीडियम फ्लेम पर ही आपको जलेबियाँ इस तरीके से बनानी है। तो मीडियम फ्लेम पर ये फ़ायदा होगा कि जैसी आप जलेबियों की शेप देंगे वो वैसी की वैसी ही रहेंगी और आपको दिखती रहेंगी। तो भाई जलेबियाँ तो सबकी बन जाती हैं, बट शेप बनाने में सबको ही प्रॉब्लम आती है। तो शेप के लिए मैंने आपको आज सही तरीका बता दिया कि आपको चिकनाई बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है। इस तरीके से उलटते पलटते हुए करारी होने तक हम अपनी जलेबियों को पका लेंगे, और चिमटे की हेल्प से अपनी चाशनी में डुबो देंगे। अभी देखिए,
दोनों तरफ से उलट पलट कर अच्छे से चाशनी इनमें भर गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल हलवाई जैसा, और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया सी हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। तो वही है रबड़ी के साथ जलेबियाँ, मैं तो खा रही हूँ गर्मा गर्म रबड़ी के साथ जलेबियाँ। आप सभी भी ट्राई कीजिए, और आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।